क्या है, दो और सेंटर्स की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। दो और सेंटर्स की रिपोर्ट। जी जी, इसके बाद हमारे संवाददाता दिल्ली के वसंत कुंज की प्रोमिनाद मॉल के दयाल ऑप्टिकल्स गए। यहां जब हमारे संवाददाता की आंख चेक की गई तो परिणाम दोनों से अलग था। यहां हमें बताया गया कि हमारे संवाददाता की दाहिनी आंख में 0.50 स्फेरिकल और बाईं आंख में 0.50 सिलेंड्रिकल और 0.25 स्फेरिकल पावर है और चश्मे की सख्त जरूरत है। कुछ नहीं, स्पेक्टिकल्स की जरूरत है सर, सिंपली 0.25 है, 50 सिलेंड्रिकल है जी, और 90 क्या है, जो भी सिलेंड्रिकल पावर होती है उसके एक्सेस राइट में 0.5। दयाल ऑप्टिकल्स की सलाह हमें काफी परेशान कर रही थी। इससे पहले की गई दो रिपोर्ट्स और दयाल की रिपोर्ट सब अलग अलग नंबर बता रही थी। अब सवाल ये था कि एक आंख के तीन अलग अलग नंबर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमने सबसे भरोसेमंद चश्मे के ब्रांड में से एक टाइटन आई प्लस के शोरूम में जाने का फैसला किया। जब हमारे संवाददाता साकेत के सिलेक्ट सिटी DLF मॉल गए, जहां टाइटन आई प्लस के शोरूम में आंख दिखाई, तो और कुछ ही कहानी सामने आ गए। टाइटन के आउटलेट में दाहिनी आंख का नंबर 0.50 सिलेंड्रिकल आया, तो बाईं आंख का नंबर 0.25 स्फेरिकल आया। देखिए सर, जो आपकी पावर है, आपके पावर के हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइजेबल नहीं होंगे। आपका पावर इतना नहीं है कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगा सके, आपको माइनस पावर है, तो इसके लिए आप स्पेक्ट से लगाइएगा। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहते हैं तो आप कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं 0 पावर में। तो 0 पावर में फिर लगा के क्या करूँगा लेंस को? वो कलर्ड के लिए आप लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, कलर लेंस आप आर्टिफिशियल लगाना चाहते हैं। अच्छा, आपने जो रेड एंड ब्लू का जो किया उसमें क्या डिफॉल्ट? ये उसका जो होता है डुप्रोम टेस्ट, उसको हम बोलते हैं। हाँ, डुप्रोम टेस्ट से आपका ये पता चलता है कि आपको जो नंबर दिया गया है ये नंबर हाँ, आपको कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिया या नंबर आपका कम नहीं है, तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि आपका जो नंबर दिया गया वो परफेक्ट है, वो टेस्ट होता है, उसको डुप्रोम टेस्ट हम बोलते हैं। ठीक है सर, सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर नंबर कौन सा सही है, किसकी रिपोर्ट सही है। बहरहाल अलग अलग रिपोर्ट की उलझन दूर करने के लिए हमने हिंदुस्तान के सबसे भरोसेमंद अस्पताल एम्स जाने का फैसला किया। एम्स में जब हमारे संवाददाता ने अपनी आंख दिखाई तो साफ हो गया कि आंखें बिल्कुल सही हैं और किसी नंबर के चश्मे की जरूरत नहीं है। तो मैं डर से दिखाने आया, क्योंकि 2-3 जगह बाहर दिखाया, सबने बोला पावर हो गया, ये हो गया, किसी ने 0.5 सिलेंड्रिकल क्या क्या बोल दिया। आपका नज़र तो सही है ना? हाँ, आप देखते हो तो कुछ धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। नहीं, इस वजह से मैं यहाँ आया, क्योंकि बाहर इन लोगों ने, ठीक है, अगर सर में दर्द ज़्यादा हो, हाँ, एक PCM टैबलेट्स रहते हैं 2650 mg, तब यूज़ कर लेना एक, ठीक है। और अगर आपको फिर भी आँख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार हेडेक के लिए मेडिसिन ओपीडी में एक बार दिखा लो, उनकी तरफ से कुछ है क्या उनको, ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सब तो सब कुछ सही है, ठीक है, थैंक यू। अब सवाल ये है कि प्राइवेट आई टेस्टिंग सेंटर रिपोर्ट अलग अलग क्यों दे रहे हैं? क्या आम लोग प्राइवेट आई टेस्टिंग सेंटर पर गलत रिपोर्ट के आधार पर बेवजह चश्मा पहन रहे हैं? क्या इनको रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? क्या स्कैनिंग मशीन की बजाय किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से आई टेस्टिंग नहीं करानी चाहिए? आंखें हर इंसान की बेशकीमती अंग होती हैं। हम और आप सब चाहते हैं कि आंखें हमारी और आपकी जिंदगी की आखिरी सांसों तक महफूज रहे, लेकिन महज कुछ रुपयों की लालच में जब कोई आपकी और हमारी आंखों के साथ छेड़छाड़ करता है तो दुख होता है। दुख उन महकमों के ऊपर भी होता है जिन्हें इसके लिए निगहबानी करनी थी। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
तो सुना आपने कैसे टाइटन आई प्लस और दयाल ऑप्टिकल्स के भी शोरूम्स में जब वो गए वहां भी अलग अलग नंबर्स आए। मेरे साथ जगदीश प्रसाद, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वक्त जुड़ रहे हैं। मिस्टर प्रसाद, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आंखों को लेकर जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं आई टेस्टिंग की, सर वो हमने दिखाई है, सर इस पर आपका पहला रिएक्शन? आम जनता को देखिए, पहली बात है कि चश्मे की दुकान में जाकर के अपना आँख टेस्ट नहीं करानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमारे आँख में कोई प्रॉब्लम, डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है दिखाई में, तो एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में जाएं और ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट से चेक करवाएं, क्योंकि जब तक रिफ्रेक्टिव एरर नहीं होगा तो चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक कि आँख की दिखाई की बात है, डिफेक्टिव होना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, रेटना में प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लोकोमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चश्मे की दुकान में जाना ही लोगों के लिए गलत है कि वहाँ पर जाकर के अपना बात करें कि चश्मा मुझे चाहिए, उन्हें जाना नहीं चाहिए। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ग्लास लेने की हम राय देंगे। नहीं सर, यहाँ पर तो सवाल फिर उठ जाता है कि फिर वो कैसे, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियंस कैसे लोगों की जांच कर रहे हैं, दुकान वाले या चश्मे बनाने वाले जो रिटेलर्स, कितना सही काम कर रहे हैं, वो कितना सही है? ये बात गलत है। अगर इस तरह से जो आप बता रहे हैं और चश्मे वाले दुकान इस तरह से कर रहे हैं जिसमें चश्मे की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है, इनके खिलाफ है। गवर्नमेंट को, सरकार को, जो राज्य सरकार है, उनको एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। सर आप रहिए मेरे साथ, मैं आपसे आपके पास आऊँगा। डॉक्टर जे एस तेतियाल, हेड आई बैंक एम्स भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर तेतियाल, किसी हेल्दी आई के लिए चश्मे की जरूरत कब होती है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो ऐसा है, आँख तो एक कैमरे की तरह काम करता है, तो इसमें आँख के अंदर ऐसे शारीरिक रूप में ऐसे लेंसेज बने होते हैं जो लाइट रेज को आँख के रेटिना में फोकस कर देते हैं, जो ब्रेन में जाके इमेज बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो कैमरा सिस्टम बॉडी की है 100% परफेक्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी मनुष्य पैदा होता है तो उसकी आंखें परफेक्ट कभी नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई पावर होता है, वो धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो पावर कम होते चले जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अराउंड 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र के बच्चे की जो है 99.9% जो है ग्रोथ पूरी हो जाती है। लेकिन हमेशा जो है देखा जाए तो आँख जो है हेल्दी आई जो है उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मनुष्य की आँख में ऐसे अकोमोडेटिव पावर है जो दूर का, पास का, पूरे चारों तरफ देख सकता है सिंगल लेंस से भी। जो ये भगवान ने एक क्षमता बनाई हुई है। चश्मे की ज़रूरत जो है मनुष्य को तब पड़ती है जब उसको दूर का सांप नहीं दिखाया जा रहा है, या पढ़ते समय उसको दिक्कत हो रही है, या फिर आपको जब पास का काम कर रहे हैं तो करते करते आपके आँखों में दर्द होने लगे या सर में दर्द होने लगे, तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपकी आँख का जो करेक्शन है वो पूरा 100% एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसे में चश्मे के नंबर का टेस्ट कराना चाहिए। यदि नंबर है, यदि उससे आपकी नज़र बढ़ती है तो चश्मा लगाना चाहिए। नहीं डॉक्टर दत्याल, जो आप बात कह रहे हैं चश्मे की ज़रूरत है, तो फिर सवाल है कि टेस्टिंग कहाँ करानी चाहिए सर? बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कोई भी नंबर बना होता है उठा के पहनना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं किसी आदमी के लिए। प्रॉपर चश्मे का नंबर टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि या तो क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हो या फिर क्वालिफाइड एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो, दो जगह है जहाँ इसका नंबर टेस्ट कराना चाहिए। यदि बच्चा है तो उसमें तो और भी इम्पॉर्टेंट है कि सही नंबर टेस्ट किया जाए, क्योंकि बच्चों में आँख की जो अकोमोडेशन पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो -6 + 6 तक भी अकोमोडेट कर सकता है। तो ऐसे में पहले दवाई डाल के टेस्ट करनी चाहिए, जिसको हम साइक्लोप्लेजिक बोलते हैं, उसके द्वारा जो है पूरा आँख का जितना एरर है पता चल जाता है। फिर उसके बाद जब दवाई का असर ख़त्म हो जाता है तब एक्चुअली नंबर निकालते हैं दोनों प्लस माइनस करके। तो ये पहली बार कोई आदमी चश्मे के लिए जा रहा है, यदि उसके दृष्टि में दोष है तो ऐसे में प्रॉपर नंबर निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको माइनस का नंबर है तो उसमें कभी कभी जब आदमी 15 साल से बड़ा हो जाता है तो उसमें दवाई नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपका प्लस पावर है आँख में, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें हमेशा साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन या दवाई डाल के रिफ्रैक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखेंगे कि बड़े सारे ऐसे जगह ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं आजकल, देखेंगे बड़े सारे सेंटर हैं जिसे कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग कहते हैं, तो कभी कभी ये कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग जो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हर मशीन में आपको दूसरा दूसरा नंबर मिल सकता है,
यदि नंबर सही नहीं मिला तो आपकी दिक्कत भी आ सकती है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि लोग जो है कंप्यूटर टेस्ट में जरूर कराएं, लेकिन साथ में एक मैनुअल टेस्टिंग जो ऑप्टोमेट्रिस्ट। सर सबसे बड़ी बात, नंबर सही नहीं मिला तो आंखों में दिक्कत आ सकती है जो आप कह रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार होगा, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट, वो दुकान, वो शोरूम, या वो आदमी जिसको पता ही नहीं है कि वो जाए तो किससे पूछे कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ज्ञानन सिंह मैं चाहूंगा आप इस पर कुछ बताइए, क्या यहाँ पर करना चाहिए एक पेशेंट को और क्या जिम्मेदारी है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट या एक शोरूम की जब वो लोगों से कहते हैं कि भाई हम आपकी आई टेस्ट करेंगे और आपको सही पावर बताएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये गलत है, इसके लिए किसी लॉयर को बोलने की जरूरत नहीं है, न ही कोई डॉक्टर के बोलने से ये सही हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही डॉक्टर ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेजरमेंट में वेरिएशन होता है, इससे ड्यूटी ऑफ केयर और बढ़ जाता है। और जब पहली बार किसी पेशेंट के लिए आप चश्मा प्रेस्क्राइब करते हैं तो आपको ये बताना उसको जरूरी होता है कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपने ये नहीं बताया तो ये डिफिशियंसी इन सर्विस है। अभी अभी डॉक्टर महिपाल ने बताया कि डायलेट करना चाहिए प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर जानने के लिए, अगर ये नहीं किया गया तो ये अपने आप में प्रॉपर नेग्लिजेंस है, हाँ, और ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है। ऐसे ऑप्टोमेट्रिस्ट अपने आप को बचा नहीं सकते। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है, जैसे बार बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए। तो बिजॉन मिश्रा, बीइंग अ पेशेंट या बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम जब मार्केट में किसी के शोरूम में जाते हैं तो क्या हम कभी से उससे पूछते हैं कि भाई आप अपना क्वालिफिकेशन लेटर दिखाइए, डिग्री दिखाइए, या आपने कहाँ से डिग्री ली है, कैसे एक ऐसे कहाँ होता है? सी, पहले तो हम आप लोगों के टीम में गौरव, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू और आपके टीम को कि ये जो शो आप लाए हैं ना, इससे कितनी जागरूकता पैदा होगा, आप लोगों में एक शिक्षा आएगा। ये एक्चुअली सरकार, डॉक्टर जगदीश प्रसाद भी हम लोग के साथ हैं, यू नो, सरकार को इस ढंग का अभियान लाना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे इस बात को कि आप जब कोई भी यू नो ऑप्टिमिस्टिक के पास जाते हो, आप कैसे वेरीफाई करोगे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कहाँ कहाँ आप उनके पास जा सकते हो और कहाँ आपको ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ये शिक्षा दिलाना ये सरकार का काम है, ये सरकार को लेना होगा जिम्मेदारी। और ये अच्छा लगा आपने शो में डॉक्टर जगदीश प्रसाद को ले आए। डॉक्टर जगदीश प्रसाद से तो मैं सवाल पूछूंगा, सवाल यहाँ पर डॉक्टर के अग्रवाल आपसे भी, फिर मैं उन स्टोर जो जिनके हमने बात की है उनमें से कुछ स्टोर्स के रिएक्शन भी, हमने उनका वर्जन भी लिया है, वो रिएक्शन भी हम दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल, सवाल यहाँ पर यह है कि एक आम आदमी जिसको इतनी टेक्निकलिटीज पता नहीं है, जिसको इतनी जानकारी है नहीं, और वो बड़े बड़े बोर्ड्स और बड़े बड़े दावे देखकर चला जाता है कि आंखों की जांच हमारे यहाँ होती है, कंप्यूटर से जांच कराइए, हमारे यहाँ चश्मे बनते हैं और बड़े बड़ी चीजें, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई सामने वाला सही है या नहीं है? ऐसे में उस स्टोर मालिक की या उस ऑप्टोमेट्रिस्ट की क्या जिम्मेदारी बन जाती है सर? डेफिनेटली फर्स्ट टाइम अगर कोई भी आदमी को चश्मा दिया जा रहा है, यू नीड ए डॉक्टर टू सी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू सी। ज्यादातर ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में अटैच्ड होते हैं, ये बड़ा क्लियर है। वी डोंट रिकमेंड कि आप डायरेक्टली सीधा ऑप्टोमेट्रिस्ट दुकान पे जाके अपना चश्मे का नंबर ले लें। इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि फर्स्ट टाइम, हाँ, अगर आपको ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रेड है ये पूरे देश में, आप कहीं भी चले जाइए ऐसे लोग मिल जाएंगे, ये चल फिर कैसे रहे? मैं डॉक्टर विकास, प्रोबेबली चल इसीलिए रहे हैं क्योंकि नंबर रिक्वायरमेंट ज्यादा है और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कम है और सेंटर्स कम है, लेकिन रेगुलेशन की जरूरत है। नहीं सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम किसी को कुछ भी करने देंगे। ज्ञानन सिंह कुछ ना चाह रहे, इसमें कानून में खामी है। आज के डेट में अगर एक दुकान में अगर 1,00,000 लोग जाते हैं या 10,000 लोग जाते हैं, उसमें से 2 लोग अगर कंप्लेंट करके कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं तो सिर्फ उनको कंपनसेशन मिलता है। क्लास एक्शन का अभी कोई प्रावधान नहीं है। अभी जो कानून आ रहा है उसमें सरकार ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है जो कि क्लास एक्शन इंटरवेंशंस करेगी, और जिसके बाद ऐसे जो लोग हैं जहां ऐसी व्यवस्था है उस पर ये काबू पाया जा सकेगा। अदरवाइज ये जो आपने बताया कि वो कंज्यूमर कैसे जाके दुकान में पूछे कि आपके पास क्या डिग्री है, ये पूछने की जरूरत नहीं है, उस दुकान वाले की ड्यूटी है। अगर वो नहीं बताता है तो वो नेग्लिजेंस है अपने आप में।